कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी 100 फीट रोड के ऊपर लोकेटेड है। ये जो रोड जा रहा है यहाँ से, ये 100 फीट का रोड है जो कि मेन आपको जोबनेर की तरफ लेकर के जाता है। ये मेन जोबनेर रोड होने वाला है और ये जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है अपने कालवा रोड के ऊपर लोकेटेड, जो कि अपने किशोरपुरा रोड है, वहाँ से इसकी जो दूरी होने वाली है मात्र 500 मीटर की दूरी होने वाली है मेन रोड से। और 100 गज में प्रॉपर्टी है जो कि 15x60 के डायमेंशन में बनी हुई है। वेस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है हमारे पास में 2 यूनिट्स, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत से आपको फ्रंट एलिवेशन के साथ में ये मिल जाते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी आपने बहुत सारी देखी होगी या फिर आप बहुत सारी प्रॉपर्टी को देखते भी होंगे, हर रोज़ वीडियो पे अलग अलग चैनल्स पे आप देखते होंगे। लेकिन देखिए, हम लोग आपके लिए जयपुर शहर में सिर्फ हाई सेगमेंट प्रॉपर्टी नहीं लेकर के आते हैं, हम लोग बिल्कुल लो सेगमेंट नहीं लेकर के आते हैं, हम लोग सभी तरीके की प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर के आते हैं, सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। उसके अगेंस्ट में आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ इतना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में, जो आपके दोस्त हैं जो काफ़ी समय से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और ढूंढते ढूंढते हो गए परेशान, तो उन लोगों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। क्योंकि देखिए, हो सकता है जो लोग मकान किराए पर रह रहे हैं और परेशान हो चुके हैं, तो उनकी मदद आप कर सकते हैं इस तरीके से, तो उनके साथ में वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए। सामने की साइड में आपने देखा इसका फ्रंट एलिवेशन। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड कितनी दूरी पर है, तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड होने वाला है। और कॉलोनी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है। देखिए, बसावट यहाँ पर मिल जाती है, एक बार घुमा के दिखा दीजिए। मकान का जो बर्म एरिया है, जो कि यहाँ से आपको दिया गया है बर्म एरिया, ये काफ़ी अच्छे से जो है हाइट के साथ में आपको मिल जाता है। रोड से जो इसका हाइट है मकान का, वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, जिससे कि इन फ्यूचर 10 साल तक भी अगर रोड का डेवलपमेंट होता रहेगा तो आपकी जो प्रॉपर्टी की हाइट है वो बनी रहेगी और पानी जो है बारिश का वो आपके घर के अंदर नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मेन एंट्रेंस पे डोर मिल जाता है। डोर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आपको दी गई है, हैवी दी गई है, सिप्लेक्स प्रॉपर्टी होने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर्टी का प्राइस है 28 लाख रुपये। जयपुर शहर में आपको 28 लाख रुपये में 2 BHK फ्लैट नहीं मिलता। मैं आपको यहाँ पर आपको 2 BHK एक विला बता रहा हूँ, सिप्लेक्स बता रहा हूँ, जो कि आज मैं टूर कराऊंगा पूरी प्रॉपर्टी का। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया था, ये इसके पार्किंग का स्पेस, यहाँ पर अपनी छोटी व्हीकल एक छोटी कार पार्क कर पाएंगे। और साथ ही इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखिए यहाँ पर झूला वगैरह लगाते हैं तो भी एक बहुत अच्छा आपको स्पेस अवेलेबल करवाया गया है। बाहर की साइड से आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको वर्क मिल रहा है। विंडो यहाँ पर दी गई है जहाँ से सनलाइट और वेंटिलेशन आपका प्रॉपर बना रहेगा। इस साइड में एक बेडरूम है और यहाँ से भी इसकी एंट्री है, जो कि इसके लोबी से होते हुए सीधे आपको लेकर के जाती है इसके हॉल की तरफ। यहाँ पर वाटर टैंक प्रोविजन है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पर और अच्छी लगी, वो ये है कि यहाँ पर आपको टाइल्स वर्क दिया गया है, तो इन फ्यूचर आपके जब भी बारिश वगैरह आती है तो आपने देखा होगा साइड्स में आपको जो है सीलन आ जाती है, हरी हरी सी काई जमा हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। सालों साल तक मकान बिल्कुल नए जैसा लगने वाला है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेयर्स दी गई है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर आती है, इसके टेरेस तक आपको लेकर के जाती है। अभी ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी आप कुछ कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट भी कर सकते हैं। देखिए, रेंट आउट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अंदर से अगर स्टेयर्स होती है तो रेंट आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा एक्सेस आपको अंदर से देना होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस आप बाहर से दे सकते हैं। ये यहाँ से आप हम लोग चलेंगे इसके हॉल के अंदर। हॉल का साइज भी काफ़ी स्पेशियस बड़ा साइज यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर हॉल के मैं साइज़ की बात करूँ, आपको लगभग 9x14 का साइज मिल जाता है इसके हॉल का। हॉल का साइज भी स्पेशियस है। ऊपर की साइड में आपको फुल सीलिंग का वर्क है, जहाँ पर अभी देखिए आपको जो है वॉलपेपर और कुछ यहाँ पर आपको जो है टेक्सचर करके दिया जाएगा। इस वाली वॉल पे भी टेक्सचर होना बाकी है। शोकेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, कुछ डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ आपको शोकेस बना करके दिए गए हैं, जहाँ पर आपका डेकोरेटिव आइटम आप इजीली रख पाएंगे। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एलईडी पैनल, जहाँ पर आपका एलईडी इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। बड़े से बड़ा एलईडी लगा सकते हैं आप और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ मूवीज़, वेब सीरीज वगैरह। इस साइड में जहाँ पर आपको मिल जाता है वॉश बेसिन का स्पेस, एक साइड में लैट बाथ दोनों अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इंडियन शीट के साथ में ये मिल जाता है। और साथ ही दूसरी साइड में अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है शावर एरिया है इसका। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्पेस काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर आ जाता है ये इसका किचन। किचन का साइज़ 5x8 के साइज में है। सामने की साइड में विंडो जहाँ से सनलाइट और वेंटिलेशन बना रहेगा, काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में। नीचे की साइड में भी प्रॉपर स्पेस है, ऊपर की साइड में भी प्रॉपर स्पेस है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाता है ये सिंक एरिया, बर्तन वगैरह इजीली वॉश कर पाएंगे। अभी ये जो आप पार्टीशन देख रहे हैं ब्लू कलर वाला, यहाँ पर आपका फ्रिज इंस्टॉल हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप चाह रहे हैं इस जगह को कवर करना तो आप कवर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आता है ये इसका बेडरूम। बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल रहा है, लगभग 9x12 के साइज़ में। सामने की साइड में वार्डरोब है, ऊपर की साइड में है फुल सीलिंग का वर्क, जहाँ पर आपको कॉप लाइट्स लगा करके दी जाएगी। यहाँ पर आपको विंडो जहाँ से सनलाइट वेंटिलेशन होगा। और पीछे आ जाता है बैकयार्ड का एरिया, जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है। एक अच्छी बात ये भी है कि इस रूम का भी आपको जो है वेंटिलेशन बना रहेगा, साथ ही इस वाले किचन का जो विंडो है वो इसके साथ में अटैच है, तो आपका वेंटिलेशन किचन का भी बना रहेगा।
ऊपर की साइड में वेंटिलेशन आपके लिए आपको जो है ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ से वेंटिलेशन और सनलाइट आपका प्रॉपर आता रहेगा। यहाँ से मैं आपको लेकर के चलूँ इसके जो है बेडरूम की ओर, जो कि इसका सेकंड बेडरूम है, तो हम लोग देखेंगे इसका सब सेकंड बेडरूम कैसा होने वाला है। ये है इसका सेकंड बेडरूम, जो कि यहाँ पर आपको लगभग 9x और जो है यहाँ पर मिल जाता है 11 के साइज में। सामने की साइड में विंडो जहाँ से सनलाइट और वेंटिलेशन बना रहेगा। इस साइड में आपको शोकेस है जहाँ पर आपका जो भी डेकोरेटिव आइटम है वो रख सकते हैं। और ऊपर की साइड में है फुल सीलिंग कवर, जहाँ पर कॉप एंड कंसील लाइट्स वगैरह लगा करके दी जाएगी। इस साइड में एसी का सेपरेट पॉइंट भी अवेलेबल करवाया गया है। तो जो प्रॉपर्टी मैंने आज आपको दिखाई, ये प्रॉपर्टी होने वाली है अपने 100 गज के अंदर और 15x60 के डायमेंशन में। अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को विजिट या फिर परचेज करना, तो कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और प्रॉपर्टी अपने कालवा रोड के ऊपर लोकेटेड है। मैं एक चीज़ बता दूं, लोन के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं लोन कितना हो जाएगा। लोन आपका 80% हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अब आपकी प्रोफाइल डिपेंड करेगी आपकी प्रोफाइल कितना लोन निकलता है। प्राइस यहां पर होने वाला है इसका 28 लाख रुपए, और 28 लाख रुपए में आपको फ्लैट नहीं मिलता है। रियली मैं बता रहा हूं, मैं आपको 100 गज का जड़ से मकान दिखा रहा हूं, जो कि जयपुर शहर में कालवा रोड के ऊपर लोकेटेड है, वो भी 100 फीट रोड के ऊपर। आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं रेजिडेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेना, तो काफी एक अच्छी चीज मिल जाती है, मतलब सोने पे सुहागा। ऐसी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी की अधिक जानकारी लेना, तो कॉल कीजिए, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में सेल्स एग्जीक्यूटिव के मैंने दे दिए हैं। फोटोज रील्स वगैरह देखना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को जरूर से लिंक मैंने दे दिया है, फॉलो कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।